पाएगा। शायद इतना काफी रहेगा। अब तो चलना ही पड़ेगा। बताइए कहाँ जाएंगे सर? देख मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचना है 20 मिनट में। तेरे बस की है? 20 मिनट? इतनी देर में तो हम रास्ते में चाय भी पी लेंगे। चलो बैठो। वैसे पहली बार मैं ऐसा टूरिस्ट देख रहा हूँ जो बिना सामान के आया है। क्यों, तुझे चुराना है क्या? चलो बातें बहुत हो गई, अब जरा कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि जहाज उड़ने को तैयार है। ठीक है। छुट्टे हैं तुम्हारे पास? नहीं तो। मेरे पास भी नहीं है। देखा, गाड़ी में शायद अपना डैनियल था या फिर शायद सुपरमैन था। आजकल उसके अच्छे दिन चल रहे हैं, उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अरे ये डायलॉग अब पुराना। देखा 298 की स्पीड पे निकला। अटेंशन, एक सफे टैक्सी अभी 298 किलोमीटर की स्पीड से गई है। आई रिपीट, 298 किलोमीटर की स्पीड से। ओके, हम उसे देख लेंगे। क्या हुआ, तुम तो परेशान लग रहे हो। पीछे पुलिस पड़ी है। अरे मामों से क्या घबराना, हमारे यहाँ इनको मामू ही बोलते हैं। और तुम्हारे यहाँ? उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर। हाँ। हे, ये नंबर नहीं है, ये कुछ और है। अब कुछ तूफानी करते हैं, पकड़ के रहना। तुमने गाड़ी क्यों स्लो कर दी? मैं पहले ही फुल स्पीड पर हूँ। नाइट्रो? नहीं नहीं, देसी जुगाड़ है, मेरा दोस्त ही तो बनाता है, उस्ताद आदमी है सच में। नंबर देता हूँ, मिल लेना कभी जाके। हाँ जरूर मिलना चाहूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, ये बुलेट ट्रेन ही है ना? हाँ, वैसे तो बहुत तेज भागती है ये, बस थोड़ी और पावर होती तो मजा आ जाता। अब कहाँ जाना है? बस यहीं, यही मेरी मंजिल है। 19 मिनट 32 सेकेंड। ये तो कमाल हो गया, वरना मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स तो गाड़ी रुकते ही ओप सारा खाना निकाल देते हैं। मैं अलग हूँ। अच्छा तो ये बात है। मदद के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। सुनिए सर, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझे टीवी पे देखते हुए बड़ा हुआ होगा तू। फिर मिलेंगे।
ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला। Yeah, he's fine, all right?